राजा जी सबको प्रिय है, अच्छा लगा। गाड़ी रुकने वाली नहीं है। एक बाहुबली नेता, डीएम की हत्या का दोषी, और देखिए कैसे खुशियों से रोशन है उसका आंगन। बेटे की सगाई पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बधाई देने आए थे, क्योंकि परोल पर निकले गोपालगंज के पूर्व डीएम और आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारा के बेटे की सगाई पर महफिल गुलजार थी। उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के लिए सोमवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आए। सोमवार को बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद की सगाई हुई, जिसमें वो 15 दिनों का पैरोल लेकर शामिल हुए। और सोमवार को ही बिहार सरकार के उस फैसले का फरमान जारी हो गया, जिसमें नियमों में बदलाव के बाद आनंद मोहन स्थायी तौर पर जेल से आजाद हो जाएगा। इस दोहरी खुशी के मौके पर पूरी बिहार सरकार उनके साथ खड़ी थी। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर बिहार सरकार के मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से रिहा किए जाने पर सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर अब ताबड़तोड़ सियासी हमले हो रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजपाल ने नीतीश सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई, वहीं आनंद मोहन ने इसका जवाब दिया। नीतीश जी, आपने उस दलित और पिछड़ा विरोधी आनंद मोहन सिंह को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और कांग्रेस नेताओं के कहने पर अपने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया। याद है आनंद मोहन कौन थे? मंडल कमीशन का विरोध करने वाला, और उन्होंने मंडल कमीशन के व्यूअर में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। उनका अपना एक गिरोह था। क्या काम था उनका? दलित और पिछड़ों का जो उफान आ रहा था उनको सबक सिखाना। 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है, और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एकरूपता का डिमांड, एकरूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को। देखिए, जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने नीतीश कुमार को घेरा था, लिखा, आरजेडी की कुटिल चालों के आगे घुटने टेकने के लिए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बिहार सरकार ने बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन कर ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी के हत्यारे श्रेणी ग्रुप को गुपचुप तरीके से हटा दिया, जिससे डॉन से आरजेडी नेता बना आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी के दो नेताओं के विरोध पर आनंद मोहन का क्या कहना है, सुनिए। सारे लोग बोल चुके हैं, मोदी जी भी बोले हैं, पिछली बार बोल के गए, यहीं से बोले हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए गले मिलकर के। विरोध करने वालों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शामिल हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य भी देश भर के दलित समाज में रोष पैदा कर रहा है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मायावती के विरोध पर सवाल को आनंद मोहन ने ट्विस्ट दे दिया। परोल पर निकला हत्या का दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सबको कानून सिखा रहा है। संविधान की मूल आत्मा कहता है कि चाहे वो चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, सबका मताधिकार एक है, सबके लिए न्याय का विधान एक है, दंड का विधान एक है। आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में 2007 से जेल में बंद था। वो उम्र कैद की सजा काट रहा था, करीब 15.5 साल की सजा काट चुका है। उम्र कैद में 20 साल की सजा काटनी थी, लेकिन अच्छे आचरण पर कैदी को 6 साल पहले छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक नियम उसकी रिहाई के आड़े आ रहा था। ये था 2012 का नियम, जिसमें ये प्रावधान था कि ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी की हत्या होती है तो 6 साल पहले रिहाई की राहत नहीं मिलेगी। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया, जिससे न केवल आनंद मोहन बल्कि उसके अलावा 26 दूसरे कैदियों की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया। अपराध और अपराधियों पर सख्त रुख रखने का दम भरने वाले नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब 2024 के चुनावों में विपक्ष को एकजुट करते नीतीश कुमार की कोशिशों में ढूंढा जा रहा है। ड्राइविंग सीट पर बैठे आनंद मोहन सिंह के साथ मौजूद ललन सिंह का ये बयान सुनिए।
गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ये गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच के रुकेगी। लक्ष्य क्या है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज ममता बनर्जी से भी मिले और अखिलेश यादव से भी। तो आपको लक्ष्य पता ही है, लक्ष्य है 2024 भाजपा मुक्त। लड़ाई अब लड़ाई कोई है ही नहीं, जब सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो कौन सी लड़ाई बचेगी। आनंद मोहन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने समता पार्टी की स्थापना की। कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का अच्छा खासा प्रभाव है। आने वाले चुनाव में आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद राजपूत वोट जुटाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी आनंद मोहन के मामले पर आनंद मोहन के बजाय नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। सुनिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। सम्मत रिहाई की गई, प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। लेकिन आज पूरे देश को गोपालगंज के पूर्व डीएम और आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया, जिसकी हत्या का दोषी पाया गया था आनंद मोहन को, उनकी पत्नी की बात भी सुननी चाहिए। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो डिसीजन तो रॉन्ग डिसीजन है। उसको एक अच्छा ऑफिसर को बेमतलब से मार दिया तो उसको कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए? कम से कम पॉलिटिशियन सोचना चाहिए, चीफ मिनिस्टर सोचना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। और वो अकेले नहीं है, सारा लोग भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और देखने चाहिए ये दृश्य, जब जी कृष्णैया की हत्या हुई थी तो उनकी बेटियां कैसे कलप रही। सुनिए उनकी पत्नी आज तक क्यों।